हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्वेषा स्टाइल। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लें। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का कुकुम्बर टोनर। आफ्टर यूजिंग दिस मैं यूज़ करूँगी पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। कभी भी हम मेकअप करते हैं तो हमें स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। आप चाहें तो कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करें, बट मेकअप के पहले मॉइस्चराइजर मस्ट है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ब्लर प्राइमर। प्राइमर आपके ओपन पोर्स को फिल कर देता है और मेकअप के लिए एक अच्छा सा, आप कह सकते हैं, कैनवस क्रिएट करता है। इस पर आप अच्छा फ्लॉलेस मेकअप कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे मेबेलिन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, मैंने हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना था। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कंसीलर पैलेट। क्योंकि मेरी चबी चिक्स है और डबल चिन भी, इसलिए मैं यहाँ कंजूरिंग के थ्रू एक इल्यूजन क्रिएट करूँगी तो मेरा फेस थोड़ा पतला दिखे। इसके बाद मैं नोज़ की भी कंजूरिंग करूँगी ताकि नोज़ थोड़ा सा प्रिसाइज और पतला दिखे। इसके बाद एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे स्किन में अच्छे से मर्ज करूँगी। आप चाहें तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट ब्यूटी ब्लेंडर मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, सो आई एम यूजिंग दैट। आप देख सकते हैं मैं इसे स्किन में कैसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ डैप डैप करते हुए। उसके बाद मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। उसे लगाने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप उसे अच्छे से स्किन में मर्ज करें डैप डैप करते हुए। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड ब्रो पेंसिल। आईब्रो को अच्छे से फिल इन करें और पुली की हेल्प से कॉम करते हुए देख लें कि गैप कहाँ कहाँ है बन रही है, फिर उसे अच्छे से फिल इन कर लें। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग स्विफ्ट ब्यूटी कंसीलर अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए और आईज़ पे एक अच्छा सा बेस देने के लिए ताकि आई शेडो अच्छे से हाईलाइट हो। ये मेरी स्किन से एक शेड लाइटर है। कंसीलर हमेशा हमें एक शेड लाइटर यूज़ करना चाहिए ताकि हाई पॉइंट्स अच्छे से उभर के आए। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे स्किन में अच्छे से मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने बेस को सेट कर लें। मैंने यहाँ लैक्मे का सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट यूज़ किया था। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आई पैलेट। उससे मैंने पिंक कलर लिया है अपने आईलिड के लिए। आई मेकअप करते वक्त हमेशा यह ध्यान रखें कि ब्लेंडिंग अच्छे से हो। टाइम लगेगा बट ब्लेंड अच्छे से होना चाहिए। अगर अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं होगी तो वो बिल्कुल सही नहीं दिखेगा। कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने पिंक पे ब्लू कलर यूज किया है। उसके बाद मैं सिंपल सा कट क्रीज क्रिएट करूंगी विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, उससे मैं कंसीलर अपने हाफ आई पे लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं उस सेम पैलेट से एक गोल्डन कलर ले रही हूँ जिसे मैं अपने आईलिड्स पे लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ फिंगर। आप चाहें तो ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं। और ग्रीन कलर मैं साइड पे बिल्कुल लोअर कॉर्नर पे थोड़ी सी अप्लाई कर रही हूँ। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद एक बार कॉम्पैक्ट से फिर से अच्छे से आई के नीचे सेट कर लें अगर आपका फेस ऑयली है तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का ही हाइलाइटर, उससे मैं अपने ब्रो बॉन्स को हाईलाइट कर रही हूँ। नोज भी हाईलाइट किया है मैंने थोड़ा। इसके बाद सेम आई शैडो पैलेट से मैंने ब्लू लाइन पे लगाई है। उसके बाद मैं यहाँ यूज कर रही हूँ इनसाइड का आईलाइनर जो वाटरप्रूफ है और ब्लू कलर में है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है।
क्योंकि ये नॉर्मल मेकअप है तो मैंने बहुत ज़्यादा आई शेडो को हैवी कलर नहीं रखा है। ये करने के बाद आफ्टर दैट थोड़ा सा ब्लश अप्लाई कर रही हूँ मैं एप्पल ऑफ माई चीक्स पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है। लिप लाइनर से पहले अपने लिप को एक शेप दे लें। यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का लिप लाइनर यूज़ किया है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम की LIT सेक्शन के लिपस्टिक, शेड नंबर है CU46। अगर आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑलमोस्ट हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा हाईलाइट कर लूँ लिप्स और आईज के इनर कॉर्नर को ताकि मेकअप ज़्यादा अच्छा दिखे। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। अपने लोअर लैशेस पे भी मस्कारा अप्लाई करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हियर इज माय फाइनल लुक। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनवेशा स्टाइल। बाय बाय।